35 वर्ष 6 माह और 9 दिन तक नगर परिषद सुजानपुर में बतौर सफाई कर्मी तैनात महिला कर्मी की 30 अक्टूबर यानी के आज सेवानिवृत्ति हो गई। नगर परिषद कार्यालय में एक साधारण कार्यक्रम के तहत सेवानिवृत्त नियमित महिला सफाई कर्मी को सम्मानित किया गया। नगर परिषद अधिकारी ने जहां उस महिला कर्मी को स्मृति चिन्ह एवं उपहार देकर सम्मानित किया, वहीं अन्य कर्मियों ने फूल मालाएं पहनाकर उनकी सराहनीय सेवाओं को याद करते हुए अपनी ओर से सम्मानित किया। इस मौके पर सेवानिवृत्त महिला कर्मी के परिजन इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे। नगर परिषद अधिकारी संजय कुमार ने अपने संबोधन में बताया कि परमजीत कौर वर्ष 1985 में डेली बेस पर सुजानपुर में सफाई कर्मी तैनात हुई थी। करीब 13 वर्षों तक सेवाएं देने के बाद वर्ष 1998 में नियमित हुई थी। सुजानपुर शहर की गंदगी को साफ करने में इनका और उनके दिवंगत पति का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। उनकी सेवाओं को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस मौके पर सेवानिवृत्त सफाई कर्मी के परिजनों ने उन्हें सम्मानित किया और उनका विस्तृत परिचय करवाया। इसके साथ साथ नगर परिषद अधिकारी सफाई सदस्यों कर्मचारियों एवं यहां पर उपस्थित सभी गणमान्य का धन्यवाद किया और एक मधुर संगीत गाना गाकर माहौल को सुरमय बना दिया। श्रीमती परमजीत जी के रिटायरमेंट के मौके पर मैं अपनी ओर से व अपने स्टाफ की ओर से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और परमजीत जी के साथ आए उनके सगे संबंधियों का भी मैं यहाँ पर पधारने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। श्रीमती परमजीत जी ने नगर परिषद सुजानपुर को बड़ी सेवाएं जो हैं वो दी हैं। ये 1985 में बतौर दैनिक भोगी के रूप में नगर परिषद में लगे थे और 1997 तक जो है ये दैनिक भोगी के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं नगर परिषद और सुजानपुर को शहर को दी हैं। इनकी ये कार्यकाल जो था 12 साल 8 महीने 9 दिन का रहा दैनिक भोगी के रूप में। उसके पश्चात ये 1998 में नियमित हुए, रेगुलर हुए और इनकी रेगुलर की सेवाएं जो थी 22 साल 10 महीने रही। कुल इनका जो नगर परिषद सुजानपुर को सेवाएं देने का कार्यकाल था वो 35। जैसा कि मुझे पता लगा कि जब ये 1985 में लगे तो ये और इनके पति थे, इन्होंने नगर परिषद को इतना कार्य करके दिया, इतनी सेवाएं लोगों को, सुजानपुर के लोगों को दी कि ये सुबह 4 बजे दोनों जने काम करना शुरू करते थे और पूरे शहर का काम यही करते थे। इनकी सेवाओं को सुजानपुर के लोग और नगर परिषद हमेशा याद रखेगी और इन्होंने जो यहाँ सेवाएं दी हम उसके लिए इनके आभारी हैं और हम इनके रिटायरमेंट के इस समय के लिए, हम इनके अगले भविष्य के लिए मंगल कामना करते हैं और इनकी सेवाओं को हम लोग याद करेंगे।